जीएसटी समाप्त करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। मांगे नहीं मानी गई तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल करेगा धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश आह्वान पर ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपने व्यापारी चंदौसी तहसील पहुंचे, जहां काफी इंतजार के बाद भी किसी अधिकारी के तहसील न पहुंचने पर व्यापारियों ने तहसील गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांग की कि जल्द यदि जीएसटी को समाप्त नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। व्यापारियों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि जीएसटी, जिसमें 1 जनवरी से कपड़ा, जूता, ईंट भट्टे पर जीएसटी के दर 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने के निर्णय को वापस लेने की व्यापारी मांग कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछली सरकारों पर वस्त्र व्यवसाय वैट कर से मुक्त रहा करता था। इस सरकार ने पिछली वर्ष उस पर 5% टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से व्यापारी को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब 12% दर प्रस्तावित है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इससे कपड़ा इतना महंगा हो जाएगा कि आम आदमी की खरीद में बहुत दिक्कत हो जाएगी और वस्त्र व्यवसाय एक तरह चरमरा जाएगा। आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या करेंगे आप भविष्य में? हम लोग आगे प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेंगे। एकत्र हुए हैं, प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? आज का व्यापारी बहुत ग्रस्त है कोरोना की वजह से, और व्यापारी परेशान है क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर पहले 5% टैक्स लगा था, आज 1 तारीख से उस पर 12% लगने जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि उसको जो 5% रहने दिया जाए, क्योंकि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उसमें हम प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से ये मांग करते हैं कि कपड़े पर, जूते पर और ईंट भट्टे पर जो है 5% टैक्स किया जाए, 12% तो घटा दिया जाए और 1 तारीख से जो लग रहा है उसे घटाया जाए। अगर ये नहीं घटाया जाएगा तो हम जो है प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, और इसके अलावा हम जो है बाज़ार बंद कराएंगे। लेके आप लोग आए हैं, प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश व्यापी 31 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय पे, हर तहसील मुख्यालय पे प्रदर्शन का आह्वान था, जिसके तहत राज्य केंद्र सरकार ने जीएसटी दर जो है वो 5% से बढ़ाकर 12% करने का प्रावधान है 1 जनवरी से कपड़ा, जूता और ईंट भट्टों पर, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और 2017 में भी 5% जो जीएसटी को बढ़ाया गया था उसमें सूरत कपड़ा बाज़ार जो है पूरा बंद रहा था, अनिश्चित काल के लिए बंद रहा था, और अब भी एक उत्तर प्रदेश के अलावा ऑल ओवर इंडिया में, यानी पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इसका विरोध कर रहा है।